वेलकम बैक गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर बाय यूजिंग गिनी इंडेक्स एज अ क्राइटेरिया। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिनी इंडेक्स और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे ट्री टू इज इक्वल टू, हम यहाँ से ऊपर से ही क्लासिफायर को कॉपी करने वाले है। सो मैं पूरा का पूरा कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोल वी और जो क्राइटेरिया है वो होगा हमारा गिनी। तो मैंने यहाँ पे ट्री टू को डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे मॉडल टू इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, इस ट्री को पहले फिट करना है हमारे ट्रेन सेट पे। तो मैं यहाँ पे करूँगा ट्री टू डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो हमने यहाँ पे फिट किया है। इसके बाद हम करेंगे प्रेडिक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्री टू अंडरस्कोर प्रेड इज इक्वल टू मॉडल टू डॉट प्रेडिक्ट, मॉडल टू डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। तो अब ट्री टू अंडरस्कोर प्रेड में हमारे वैल्यूज सेव हो गई प्रेडिक्शन की। इसके बाद हम चलाएंगे सीक्वेंस में चलाएंगे, हम सबसे पहले चलाएंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर और उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब ये होगा हमारा सी मैक्स थ्री इज इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अंडरस्कोर, किसका किसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए हमें, हमें चाहिए वाई टेस्ट का कंपेयर करना है हमें ट्री टू अंडरस्कोर प्रेड के साथ। और उसके के बाद में मैं लिखूंगा प्रिंट करो, आप किसे प्रिंट करो, सी मैक्स थ्री को प्रिंट करो। तो जैसे मैं रन करूंगा तब देखो अब वैल्यूज और थोड़ी सी चेंज हो गई है। ओके, तो उसके बाद हम चलेंगे एक्यूरेसी स्कोर। तो मैं यहाँ पे लिखा है ए डबल सी अंडरस्कोर ट्री टू इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर और उस एक्यूरेसी स्कोर में हम लिखेंगे कि हमें चाहिए वाई टेस्ट, आप एक्यूरेसी चेक करो वाई टेस्ट के साथ, किसकी एक्यूरेसी करनी है हमें ट्री टू अंडरस्कोर प्रेड की एक्यूरेसी आप चेक करो और उसे प्रिंट करो, प्रिंट एक्यूरेसी अंडरस्कोर ट्री टू टर्न। तो अब देखो हमारी एक्यूरेसी स्कोर अब आ गया है 97.8 और उसके बाद हम चलाएंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपोर्ट अंडरस्कोर ट्री टू इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ वाई टेस्ट एंड ट्री टू अंडरस्कोर प्रेड और उसके बाद में लिखो प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, प्रिंट करना है रिपोर्ट अंडरस्कोर ट्री टू। जैसे हमने प्रिंट किया तो देखो हमारी एक्यूरेसी अब हमें मिल गई 98%, सेम वही। ओके, तो ये तो था गाइस हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफायर बाय यूजिंग गिनी इंडेक्स एज ए क्राइटेरिया। सो इस वीडियो में इतना ही, अब हमारा बाकी रह गया है रैंडम फॉरेस्ट। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।